अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सहारा न्यूज के साथ मैं हूँ इमाल फातिमा। खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल रिपोर्टर इस्मान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी मजहर नवाज शेख की वालदा के सोए में ताज़ियत के लिए आने वाले आईजी सिंध मुश्ताक अहमद मेहर और साबका चीफ मिनिस्टर सिंध गोसली शाह की हमराह पुलिस की रूह रवा जान अरशद हुसैन शाह की शिरकत। ताज़ियत के लिए आने वाले मेहमान में आईजी सिंध मुश्ताक मेहर, साबका चीफ मिनिस्टर सिंध गोसली शाह, पुलिस के रूह रवा जान अरशद हुसैन शाह, साबका आईजी सिंध एडी ख्वाजा, एडिशनल आईजी सिंध डॉक्टर आमिर अहमद शेख, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान, डायरेक्टर एफआईए सिंध आमिर फारूकी, एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन, साबका एडिशनल आईजी अमीर यूसफ जई, सीपीएलसी चीफ अहमद यार चौहान, एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास, डीआईजी वेस्ट नासिर आफ्ताब, डीआईजी एस साकिब इस्माइल मेमन, डीआईजी साउथ जावेद अकबर रियाज, डीआईजी पीर मोहम्मद शाह, डीआईजी नुमान सिद्दीकी, डीआईजी आसिम कायम खानी, डीआईजी नईम शेख, एसएसपी सेंट्रल मुर्तजा तबस्सुम, एसएसपी एस कमर रजा जस्कानी, एसएसपी साउथ जुबैर नजीर, एसएसपी नूर हक रिंग, एसएसपी बशीर बरोही, एसएसपी जिशान शफीक, एसएसपी अदील चांडियो, एसएसपी अब्दुल्ला मेमन, एसएसपी सलाम शेख और दीगर पुलिस अफसरान, एमपीए एमएनए और मिनिस्टर हजरात ने डीआईजी मजहर नवाज शेख की वालदा के सोए में ताज़ियत के लिए शिरकत की।